आज सावन का आखिरी सोमवार है और टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। जल अभिषेक कर शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहा जाता है कि शिवधाम कुंडेश्वर में द्वापर युग में उखली से शिवलिंग प्रकट हुए थे, जो हर साल एक चावल के बराबर बढ़ता है। यहाँ बुंदेलखंड के अलावा देश के अलग अलग कोनों से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि भगवान अच्छी बारिश हो, सुख समृद्धि हो, लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए सब लोग कुंडेश्वर में आते हैं। हमारे टीकमगढ़ पे कुंडेश्वर बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं यहाँ पर टीकमगढ़ में। कोई किसी प्रकार कोई प्रकोप नहीं होता, कुछ नहीं होता। शंकर जी तो हर जगह की एक से होते हैं, बस यहाँ का ये है कि यहाँ शंकर जी खुद निकले हैं, यहाँ खुद से निकले हैं शंकर जी। और उनकी बहुत जो यहाँ आए हर एक इच्छा पूरी होना, इसलिए इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और सावन के महीने में और ज़्यादा रहती है। इस श्रावण मास चल रहा है, पवित्र महीना है, यहाँ पर शिवार्चन हो रहा है। वेद मंत्रों द्वारा, विद्वानों के द्वारा यहाँ पर शिव जी का शिवार्चन किया जा रहा है, रुद्राभिषेक होते हैं। और जो है आज महाकाल की तरफ पर भोले बाबा का रजत श्रृंगार होगा, भांग से महाकाल की तरफ पर श्रृंगार होगा और नाना प्रकार आज 56 भोग का प्रसाद भी लगेगा भोले बाबा के लिए। नाना प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं।